पारिजात पुष्प को उन्होंने रुक्मिणी देवी को पकड़ा, लेकिन आपको क्षमाशील हो, दयावती हो, आप क्षमा कर दोगे, लेकिन हम साधु महात्मा है, हमारे पास पक्षपातिता शोभा नहीं देता, हम देखने से सहन कर नहीं पाते, तो इसलिए चलो आपकी बात, लेकिन हम चौधरीगिरी क्यों करें, आपकी पंचायती परिवार की बात है, पंचायत में हमको फंसना क्या जरूरत है, चलो मैं तो चलता हूँ। नारद जी चल पड़े, बड़े टेंशन में आ गई। कौन? सत्यभामा जी। बोले बाबा रे, साधु महात्मा मुंह फुट तो होते ही, कहाँ जाए सब जगह पूरा पूरा बोल दे कि सत्यभामा भगवान की प्यारी नहीं है, तो काम बिगड़ी जाएगा। सत्यभामा को इतना क्रोध आ गया, कोप भवन में प्रवेश कर गया। भगवान रात को 16,108 रूप लेकर के प्रवेश करते सारे रानियों की महल में, जब सत्यभामा में पुर में आए, सत्यभामा थी नहीं। सत्यभामा प्रहरी ने बताया, ठाकुर जी कोप भवन में आज दिन में कोई आए थे क्या? ना प्रभु, कोई नहीं आए थे, देवर्षि नारद घूमते हुए आए और ज्यादा दिन ज्यादा समय टिके भी नहीं, चले गए। भगवान सोच ले, हाँ तो देवर्षि नारद जी का ही कुछ काम जरूर होगा। तब पहुंच गए सत्यभामा, बोले प्रभु आपकी प्रीति जो प्रेम प्यार है हमारे प्रति बिल्कुल है ही नहीं, आपने पारिजात पुष्प नारद जी ने दिए, आपने पूरा पूरा रुक्मिणी देवी को दे दिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं, थोड़ा तो एटलीस्ट सुगंध थोड़ा देते, वो भी नहीं। कृष्ण ने बताया, देवी रुक्मिणी देवी के लिए तो पुष्प दे दिया, आपके लिए पूरा पेड़ लाके लगाता, चलो हमारे साथ। सत्यभामा को वहां से उठा करके भगवान लिए, साथ में लिए, भौमासुर को बद्ध करके स्वर्ग में पहुंच गए, पूरा पूरा पारिजात पुष्प को उठा करके लाए और सत्यभामा की आंगन में लगा दिए। सत्यभामा तो बड़े प्रसन्न, लेकिन नारद जी के मन में रहा नहीं गया, फिर आ गए, देवी सब कुछ अच्छा है, गुरुदेव कृष्ण हमको जितना प्रेम करते और किसको नहीं करते, क्या प्रमाण? ना देखिए, रुक्मिणी देवी को तो पारिजात पुष्प दिए, लेकिन हमको पूरा पेड़ दे दिए, आंगन में लगा दिए, और क्या बात? सत्यभामा का बात सुनकर के नारद जी ने बताए, देवी देखो कृष्ण तो प्यार होते हैं, लेकिन हर जन्म में मिलते नहीं, कैसे मिलेंगे? नहीं, काम करो, अभी कुरुक्षेत्र आने वाला, कुरुक्षेत्र में सूर्य पराग आने वाला है, कुरुक्षेत्र में सब लोग दान करेंगे, जो अपना प्रिय वस्तु को दान दे उनका अपना प्रिय वस्तु मिल जाए। आप एक काम करो, कृष्ण को आपका अत्यंत प्रिय वस्तु को दान कर दो, और तो आराम से फिर जन्म जन्मांतर का आपको कृष्ण मिलते ही रहेंगे। सत्यभामा तो कृष्ण प्रियसी है, कृष्ण ही अच्छा लगते, तो सूर्य पराग में नारद ऋषि को पूछा कि किसको दे सकते, फिर देना है तो किसको दे? नारद जी बोले, हम तो लेना चाहते, क्योंकि आराम से अगर कोई वस्तु मिलता है, शास्त्र में ऐसा विधान है, कोई वस्तु अगर बिना मांगे मिल जाए तो अमृत की समान है, दूध की समान है, अगर मांगने पर मिल जाए ये तो पानी के समान है, और खींचेदानी करके मिले तो रक्त के साथ समान है, इसलिए बिना मांगे मिल रहे और वो भी कृष्ण और हमको, हमारे तो काम कृष्ण के साथ ही है, तो दे दो हम। सत्यभामा जी ने संकल्प कर लिया, सूर्य पराग तिथि पर और कुरुक्षेत्र में भगवान को अर्पण कर दिए, जो ही अर्पण कर दिए, नारद जी ने वीणा पकड़ा दी कृष्ण को। कृष्ण तो पूरा पूरा सचमुच कुछ जानते नहीं, वीणा को पकड़ लिए और बोले चलो साथ में। सत्यभामा बोली कि गुरुदेव ये क्या, मैं तो कृष्ण को प्राप्ति के लिए ही कृष्ण को दान किया, और आप कृष्ण को लेकर के चलते हो? बोले दान की विधान तो वही होता है, जो वस्तु अगर गाय कोई दान करता है, गाय का तो रस्सी दाता का हाथ में नहीं रहता,
ग्रहिता का हाथ में रहता है और मैं तो ग्रहिता हूँ, आप दाता हो। अभी तो कृष्ण हमारे ही चाकर बनेगा, नौकर बनेगा, हमारे साथ ही चलेंगे। सत्य भामा तो बड़ी विपत्ति में आ गई न गुरुदेव। अभी तो उनको छोड़ करके हम रह नहीं जाएंगे। बोले चिंता नहीं, अगला जन्म में मिल जाएंगे, आपने जो दान किया अगला जन्म में मिलेंगे। सत्य भामा बोली अगला जन्म की दूर रहे, अभी तो 2 घंटा हमारे लिए सहन करना मुश्किल हो जाएगा। सारी द्वारिका में पूरा प्रचार हो गया कि कृष्ण को सत्य भामा ने दान कर दिया, द्वारिका छोड़ करके द्वारिकाधीश जा रहे। सब लोग घबरा गए, सत्य भामा गिर पड़े, मूर्छित हो गए। गुरुदेव बताए क्या करे। नारद जी ने बताए, देवी एक विधान शास्त्र में है, अगर निष्क्रय आप दे दो, दाता के जो वस्तु के समान निष्क्रय दे दो, तब तो आपका वस्तु मिल जाएगा। निष्क्रय मतलब क्या है, जैसा कोई व्यक्ति के पास में पयोस्विनी दुग्धवती गाय है, तो ये गाय को कोई दान करना चाहे लेकिन गाय को दान दे दे हरी चलेगा नहीं। तो क्या करना है, ब्राह्मण को गाय दे दे और दान के स्वरूप, दक्षिणा के स्वरूप उसका गाय का कितना निष्क्रय सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दे दे, तो और वो गाय ले ले, शास्त्र की विधान रह जाएगा, दान की फल भी मिल जाएगा, धर्म टूटेगा नहीं, मर्यादा की हानि नहीं होगी, काम भी बन जाएगा। ऐसा है देवी, अगर कृष्ण के समान कुछ दे दे हिरण्यगर्भ पुरुष, और क्या दे सकते, सुवर्ण दे दो तो चलेगा भगवान के समान, कुछ भी दे दो भगवान के समान दे दे तो हम वापस दे दे छोड़ के चले जाए। सत्य भामा ने बताया जगत की समान वस्तु क्या है, हम छोटी घर की बटी नहीं हूं। मेरा पिताजी सत्राजित राजा थे, जिनके पास स्यमंतक मणि था, 8 भार मतलब 40 मान सोना प्रकट करती थी, और कृष्ण का समान वजन कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 100 क्विंटल होगा। कोई चिंता नहीं बाबा, 1 क्विंटल क्या, पूरा ज्यादा ले लो। नारद जी ने बताया नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है, साधु महात्मा है, बराबर ही चाहिए बस। सत्य भामा ने तो सोचा तो ठीक है, तराजू लगाए, तोला में एक तोला पे बैठा दिए कृष्ण को, दूसरा तोला में तुलने लगे सोना, सारी सोना अपना रख दिए सुवर्ण, कृष्ण की तो पल्ला जमी को छुड़ता ही नहीं, चिपक गया, और उस तरफ इतना सुवर्ण भर गया, लेकिन तस्से मस नहीं होता तराजू, बड़े घबरा गए सत्य भामा जी। सारी रानियों का सुवर्ण डाल दिए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ, सारी द्वारिका का सुवर्ण डाल दिए, कुछ भी नहीं हुआ, तो सत्य भामा बोले प्रभु गुरुदेव अब इतना लेकर संतुष्ट हो जाइए, और मुझे आप हमारे कृष्ण को छोड़ दीजिए। नारद जी बोले देखो ठीक है साधु महात्मा, ज्यादा लोभी हम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बराबर ही ना हो, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो तो चलेगा, बिल्कुल छूटता ही नहीं, ये नहीं चले। तो बाबा आप कुछ बताइए, क्या नियम करे, फिर क्या कुछ करे। नारद जी ने बताए देखो देवी एक काम करो, द्वारिका में जितने सारी कोई रानी हो कुछ भी हो, सब लोग को बोलो कोई पुण्य कमाई किया कुछ कोई जीवन में, सब लोग डालो, हो सकता है तो बराबरी हो जाए। तो जितना यज्ञ किए, दान किए थे, पुण्य किए थे, सब कुछ सत्य भामा क्या 16108 रानी द्वारिका वासियों का पुण्य भी रख दिए, पुण्य का फल, लेकिन फिर भी टस्से मस नहीं। अभी तो विपत्ति आई। नारद जी बोले एक काम करो, ब्रजवासी राधा रानी भी इधर आई कुरुक्षेत्र में, राधा रानी को जिज्ञासा करो। राधा रानी के प्रति तो सत्य भामा का भी बड़ा मान था, रुच जाते थे, क्योंकि कृष्ण द्वारिका में होते हुए भी राधा रानी को बड़ा स्मरण करते थे, लेकिन विपत्ति आया तो राधा रानी के पास गए, और राधा रानी बोले कोई चिंता नहीं, तुलसी के पत्ता पर केवल श्री कृष्ण नाम ही लिख करके रख दो, तो जागत का संपत्ति सुवर्ण सब निकाल दो। कहां कृष्ण, उनके साथ इतने सुवर्ण, जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ, जड़ पुण्य फल क्या बराबर हो सकता है। गिरधारी गोपीनाथ
इसलिए वही कह रहे, बाकी सब सचमुच बैठे हुए, ना ताली बजा रहे हैं, ना गान कर रहे हैं। इतना हरिनाम की महिमा सुनने के बाद में भी उससे नाम नहीं करता। हाँ नहीं नहीं महाराज जी, हम तो ठीका देकर रखा है आपको, आप गाइए, हम क्या करें, हम तो सुनने के आने वाले, कथा सुनने के लिए आए, आज बोलेंगे बोलो, कल बोलेंगे फिर हमारे साथ चलो। बड़ी मुश्किल बात है, आप लोग के पीछे नहीं पड़ सकते हम, आप गाइए। संसार की बात बोलो, दिन भर बकता रहता है, बकता रहता है बेवकूफ की तरह, लेकिन जब हरिनाम करने के समय मुझे शासन करता है, उल्टा बिल्कुल नहीं बोलता। ये बात समझ लो, मन ऐसा है सारी काम करने के लिए कंप्रोमाइज नहीं करता, लेकिन हरिनाम करने के समय तो पूरा पूरा कंप्रोमाइज कर देता है, मन मिला देगा, आपको बहाना बना करके सेट कर देता है। हाँ चलेगा, बिना बोले चलेगा, बोलो, ये तो बोलने वाले हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हमारे क्या जाता है, चुपचाप बैठो, कोई चिंता नहीं, मन सेट कर देता है, अपने को पूरा सेट करता है, मैं कैसे ठीक हूँ, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई, पूरा पूरा बोलो मुख से। मैं देखता हूँ कि इधर तो कुछ कुछ बोलते हैं, माता जी लोग बोल रहे हैं, लेकिन इधर बाबा लोग जो लोग बैठे कोई नहीं बोल रहे, सब आराम से बैठे। हाँ जी, किसको तो बोलो, बाबा बोलो हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, क्या ठीक है भाई, बोलो हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, क्योंकि बोलता है तो वही जिनके अंदर जान है, अकर तो मुर्दे की समान है, पूरा हाट करके बैठते नहीं, बोलो। हाँ सब लोग बोलो, जीवा के ऊपर शासन करो, 2 इंच की जीवा को रोज शासन, रोज खिलाते हो पिलाते हो, जो काम लेने के समय बिल्कुल ठप हो जाते हो,
शासन करना सीखो जीवा को, दिन भर खिलाते हो और काम लेने के समय पूरा चुप बैठ जाते हो, कुछ नहीं शासन करते हो। शासन करो, भुलवाओ नाम को। हरे हराय नमः सत्यं परं धीमहि। ये भागवत की पहला मंत्र, भागवत की पहला श्लोक में बड़ी सुंदर वर्णना है कि जन्मादस्य यतो अन्योयात्, जन्म आदि अस्य, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जिनसे जिनसे जन्म हुआ, सृष्टि हुआ, पालित तो होता है और प्रलय में विनाश हो जाता है, ऐसे जो भगवान अर्थेषु अभिज्ञः, सृष्टि कार्येषु अभिज्ञः, सृष्टि करने में जो श्रेष्ठ है, ऐसे स्वराट स्वनैव राजन्ति इति स्वराट, जो स्वराट है स्वयं स्वभायमान है। आजकल की जितने भगवान कभी कभी निकलते हैं उनको वोट देना पड़ता है, अगर 1 करोड़ आदमी किसको वोट दे दे तो वो भगवान बन जाता है, लेकिन कोई वोट दे वो भगवान नहीं बनते, भगवान भगवान ही होते हैं। ये स्वराट है, स्वनैव राजन्ते तेन ब्रह्म हृदाद आदि कवये मुह्यन्ति चक्षुरयः। उन्होंने जिसने पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया और जिनके द्वारा सारा देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं, तेजो बारी जथा विनिमयो, उनका माया की बात क्या बताए, पानी में मिट्टी का भ्रम और मिट्टी में पानी का भ्रम जैसा होती है, उनका माया की कमाल तो ऐसे ही है। यत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, लेकिन माया सबको मोहित कर सकता है, लेकिन धामना स्वेन सदा अपना तेज के द्वारा जिन्होंने माया को कबलित करके रखा है, माया जिनके अधीन में है, ऐसे जो सत्य स्वरूप परम सत्य त्रिसत्य भगवान कृष्ण, ऐसे कृष्ण चंद्र को हम प्रणाम करते हैं, शिष्य प्रशिष्य के साथ ध्यान करते हैं। धर्मं प्रोज्जित कैतव अत्र परमो निर्मशरणं सतां वेद्यं वास्तव वस्तुतस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परिरेश्वरः
हृदय अवरोध्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत् क्षणात्। व्यासदेव जी खुद बता रहे, आज तक हमने जितना ग्रंथ रचना किया, जितना जो कुछ बोला था, सब कुछ धर्म के बारे में बताया था, जिसमें धर्म अर्थ काम मुख्य कई तब केवल छलना। आज मैं जो ग्रंथ रचना करने जा रहा हूँ, उसमें कई तब को निकाल दिया गया, जिनका नाम है परम धर्म, शुद्ध भक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि भागवत धर्म के बारे में। और वही भागवत धर्म वेद्यं वास्तव वस्तु अत्र शिवतम, ये वास्तव वस्तु भगवान कृष्ण के संबंध में विचार उसमें है। साथ साथ हृदय में जो कथा, जिन भागवत की कथा श्रवण करने को इच्छा, साथ साथ भगवान आकर के बंध जाते हैं। बंध जाते मतलब कैदी जैसा कोई घर में बंदी में रह जाता है, जैसा इधर आप लोग स्वतंत्र है, जब इच्छा हुआ तब आ गए, जब इच्छा हुआ तब चले जाएंगे। लेकिन भगवान की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, भागवत सुनने वाले श्रोता के अंदर ऐसा बैठ जाते हैं, इच्छा करने पर भी। और सत्य भाई, हम तो एक साल ही सुने, दो दिन हुआ, दो दिन होने से क्या है, सद्य हृदय अवरुद्ध थे, साथ साथ ही बैठ जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तत् क्षणात्, सुनने की बात दूर रहे, सुनने के लिए कोई इच्छा करे तो भी बैठ जाते हैं। इसलिए इसी ग्रंथ की ऐसा महिमा है। इसी भागवत ग्रंथ में परम धर्म की शुद्ध भक्ति के बारे में जिस प्रकार वर्णना किया गया, और ऐसा दूसरा जगह है ही नहीं। इसी भागवत को श्रवण करने से जैसा पाप और ताप पूरा जड़ से निकल जाता है, पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है, ऐसे और कोई ग्रंथ श्रवण करने से होगा ही नहीं। और ये ग्रंथ श्रवण करने से जैसा भगवान आकर के स्वयं अंदर बैठ जाते हैं, ऐसा कोई ग्रंथ श्रवण करने पर होता ही नहीं। ऐसे भागवत ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निगम कल्प तरोर गणितं फलं सुखमुखात अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। पका हुआ इसलिए कहते, पका हुआ मतलब पतितम, ये जो गिरा है सुखदेव के मुख से, लेकिन ये स्वाभाविक रूपेण पतितम, परिपक्व त्वया पतितम न तो बड़ पूर्वक बाधितम। किसने बड़ पूर्वक पत्थर मार करके, ढेला मार करके गिराया नहीं कल्प वृक्ष से, अपने आप स्वाभाविक रूप में परिपक्वता को प्राप्त किया, पक गया। और कोई फल कार्बाइड देकर के पकाओ तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन वो स्वाभाविक पक जाए तो उसमें ज्यादा टेस्ट आ जाता है। और अगर उसमें भी और तोता मुंह लचंचू लगा दे तो उनका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो भागवत ऐसा पका हुआ फल है जिनमें तोता चंच लगा दी। और ये कैसा है, रसमालयम, रस में भरपूर है, मतलब जैसा रसगुल्ला होती है, उसको कहाँ से भी खाओ टेस्ट होगा। भागवत ऐसा है, कभी भी कहाँ से भी पान करो तो देखना टेस्ट लगता है, स्वादिष्ट होता है, रसमय है। भाई इतना रसमय वस्तु है, कहते रसमय पूरा क्यों है, पिबत भागवतम, पियो क्यों बोलते हो, फल तो खाना चाहिए, बोलते नहीं ये रसयुक्त है, ना इसमें कोई छिलका है, ना इसमें कोई गुठली है,
लेकिन गुठली छिलका का मतलब क्या है? कहते गुठली और छिलका का मतलब ये है, दुनिया में जितने सारी कर्म का, तपस्या का, दान का, ये सारी जो कर्म कांड के विचार है, स्मार्त विचार में भगवान को प्राप्त करने के उपाय सब उसमें कुछ भी नहीं है। एकमात्र यज्ञ और कर्म को, दान को, ज्ञान को किसी को भी रस नहीं कहा गया, लेकिन भक्ति को ही रस कहा गया, भक्ति रस। तो ये सब भागवत फल है, इसमें केवल भक्ति रस ही भरा हुआ है। और उसको पियो, कब तक पिए? आलयन, लय मतलब मूर्छा, लय मतलब पतन, लय मतलब मृत्यु, मृत्यु तक पियो, हर समय पियो, जिंदा जब तक है तब तक पियो। मरने के बाद पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, सुजोग मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए पियो। लेकिन कौन पिएगा? पीने के लिए भावुक चाहिए और पान कराने वाले रसिक होना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भुवि, क्योंकि ये पृथ्वी पृष्ठ में अवेलेबल है, बाहर तो कहाँ मिलता ही नहीं। पूज्य पाद महाराज जी कथा कहते हैं ना कि ये रस पान करने के लिए, कथा पान करने के लिए चाहे शंकर जी को कैलाश छोड़ना पड़ेगा, इंद्र को, इंद्राणी को स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कि वैकुंठ में भी नास्ति अयं रसः, वैकुंठ में भी इस प्रकार रस नहीं है। ये रस तो केवल पृथ्वी पृष्ठ में है। इसलिए सुनो, ये मनुष्य शरीर तो देखने के लिए ऐसा है कि मलमूत्र रक्त पूरा भरा हुआ है, लेकिन होने पर भी उसके द्वारा तो बहुत बड़ी काम हो सकता है। क्या? कृष्ण कथा की श्रवण। तो चलो, ये कृष्ण कथा की सुनने के लिए भागवत में 6 प्रश्न पूछते हैं शौनकादि मुनियों। उसमें बड़ी एक सुंदर प्रश्न है जो कि भागवत की पूरा व्याख्या करती है। प्रश्न में कहते हैं, प्रायेण अल्पायुषाः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनः मन्दहासो मन्दमतयो मन्दभाग्य हि उपद्रुतः। प्रायेण अल्पायुषाः, कली युग में लोगों की आयुष बहुत कम है। बहुत कम क्यों? 100 साल जिंदा रहते नहीं, दूसरा युग के अनुसार कम है। कलि सत्य युग में मनुष्य 1,00,000 साल जिंदा रहते थे, त्रेता युग में मनुष्य 10 कम हो गया, कितना साल? 10,000 साल जिंदा रहते थे। द्वापर युग जब आया कितने? 10 और कम हो गया, 1,000 साल। बड़े पंडित थे सब, सबको तो पूरा पूरा कथा सुनते सुनते आ गया। और कलि युग में 10 और कम हो गया, कितना? 100 साल। और कुछ दिन बाद में और 10 कम कर देना, कम हो जाएगा। तो आज का कुछ दिन बाद में और 10 कम हो जाएगा। हाँ, आजकल तो देखने के लिए मिलता है। इसलिए 10 साल की बेटा डायबिटीज पेशेंट, 15 साल में बीपी बढ़ गया, 25 साल की लड़का डिप्रेशन में, और 20 साल के लड़का तो बिना चश्मा से देख नहीं पाता है, बताओ। और 60 साल अगर बच गया तो बड़ी बात है, 70 साल किसने जिंदा रहेगा तो प्रणाम करने की इच्छा होती है, बताओ। घोर कलकल आया कि नहीं, 100 साल किसने सेंचुरी मारा तो बाबा रे बाप, बड़ा मुश्किल जिंदा रहना कम समय। लेकिन कम समय होता सुविधा क्या है? धन कमाई करने के लिए कम समय नहीं है। आजकल तो लोग घर में बैठ बैठ करके क्या क्या कंप्यूटर में कर करके करोड़ रुपया कमाई कर देते हैं, 1 दिन 2 दिन में कमाई कर देते हैं। लेकिन सज्जन, ये जागतिक धन कमाई करने के लिए तो कम समय नहीं है, आयु बहुत लंबा है। लेकिन भक्ति रूपी संपत्ति को कमाई करने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए तो बहुत कम समय हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।
जितना टाइम मिलता है ये नाम रूपी धन को कमाई करो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम उसके लिए आयुष्य बहुत कम है। इतना सारा शास्त्र पढ़ेंगे कब, बुझे समझेंगे कब, कमाई कब होगी, समझता नहीं व्यक्ति, आयुष्य बहुत कम है। अगर जान लो समझ लो कि किसका पास आयुष्य पूरा ज्यादा है तब तो हरिनाम कर सकते, लेकिन नहीं। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन जुगे जनहा मंदहा, इनके पास अगर आयुष्य तो ज्यादा है लेकिन आलसी है। आलसी किस लिए? ठंडन गोपाल को कमाई करने के लिए नहीं, उसके लिए तो 20 साल पढ़ाई करता है, 4 साल फिर ट्रेनिंग लेता है, 2 साल फिर इंटरव्यू देता है, फिर नौकरी करता है, बड़ा मेहनत करता है, आलसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ से अगर बताओ, बताया था शायद दिल्ली में इंटरव्यू होगा सुबह 7 बजे, यहाँ से जाना है 3 बजे उठ करके, नींद खुलेगा कि नहीं 2 बजे से? हाँ, रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि पैसा कमाने के लिए चांस मिल रहा है। लेकिन मंगला आरती 5 बजे हो रहा था, 5:30 कर दो तो भी आ नहीं पाएंगे क्योंकि आलसा है। ठीक है, अभी 6 बजे कर देंगे, आओगे? महाराज जी तो भी आलसी है, नहीं आ पाएंगे क्योंकि मंदा है। कलिजुग के जीव पैसा कमाई करने के लिए आलसी नहीं है, लेकिन परमार्थ रूपी धन को कमाई करने के लिए बड़ा आलसी है। राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में से मैंने निकला, संबलपुर जा रहा था, ट्रेन में एक आदमी मिल गया, बड़ा ऑफिसर, ए क्लास ऑफिसर, लेकिन हमारे सीट में बैठे पास में। हमने पूछा भाई कुछ हरिनाम करते हो? बोले नहीं नहीं महाराज, हरिनाम क्या करना है, बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ। भगवान को प्रणाम वगैरह कुछ करते हो? कुछ घर में जाकर के तुलसी को पानी देना, चंदन घिसना, ठाकुर जी को पूजा करना, बोले ये सब औरत लोग काम करते, हमारे माता जी बोलती है बार बार ये करो ये करो, चुप बैठ तुम्हारे काम है, तुम करो, हमको ऑफिस जाना है, तुम हमारे लिए ऑफिस जाओगे। हमने जब 2-4 कथा सुनाया, आर्गुमेंट दिया, लज्जिक दिया, तब उन्होंने बोला कि महाराज जी एक्चुअली बात क्या है, मैं अपना बीबी को ना डोमिनेट करने के लिए सब बोल देता हूँ, एक्चुअली मैं थोड़ा आलसी हूँ, सुबह उठो ये सब धंधा करो हमारे तरफ होता। व्यक्ति सही बात है भाई, सारी काम करने के लिए तो कमर कस देगा, लड़ाई करने के लिए भी, लेकिन हरिनाम करने के लिए जब आएगा तब सोचेगा कब छुट्टी मिलेगा। देखो महाराज बड़ौत में इतने लोग हैं, हर साल आता है, और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन महाराज नहीं बोलते हरिनाम करो, और हमारे कान भी पूरा क्या, हृदय भी पत्थर हो गया सुनते सुनते, हरिनाम करना ही नहीं। बाबा तुम अपना जिद्दी में रहो, हम तो अपना जिद्दी में, बाबा तुम अपना जिद्दी में रहो, बोलते जाओ, हम तो अपना जिद्दी में छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। हाथ इतना मेहनत करके मिला है, माला लो पकड़ो, हरिनाम करो, ये धंधाबाजी हमारे द्वारा नहीं हो रहा।
भाई जो कुछ कर लो खत्म होने के बाद उसी समय बोला नहीं जाएगा। क्या बोला जाएगा? नहीं, मैं तो रूल्स बना दूंगा। हाँ, आप क्या रूल्स बनाओगे? नहीं, मैं बोलूंगा नौकरी चक्री सत्य है, पुत्र परिवार सत्य है, धन संपत्ति सत्य होगा, कोई बोलेंगे तो जरूर आप भी मरने के समय बोलना पड़ेगा। चाहे आपको तो नहीं बोल पाओगे, आपका सामर्थ्य नहीं होगा, इसलिए अभी बोल दो जब सामर्थ्य है। सज्जन, बोलने का शक्ति तो सबको भगवान ने दिया, लेकिन सही रूप से बोलना बहुत कम लोग को आता है, और हरि नाम बोलने के लिए तो बहुत कम ही लोग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। एक समय एक मुर्दा को ले जा रहे थे, एक छोटा बच्चा ने उसको पिताजी को पूछा, बोले पिताजी क्या बोल रहे हैं? बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल करते हैं सब कोई बात झूठा है। बोले पिताजी ये सबके सब तो बोल रहे हैं, लेकिन वो ऊपर जो लेटा हुआ वो क्यों नहीं बोल रहा है? बोले ये मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है। बोले पिताजी इसका मतलब है जो मरे हुए वही व्यक्ति नहीं बोलते हरिनाम, जो मरे हुए है वही व्यक्ति हरिनाम नहीं बोलते। बोला हाँ बेटा, जो मरे हुए व्यक्ति वही हरिनाम नहीं करते, इसलिए जो हरिनाम नहीं करते वो कौन है? वो कौन है? हाँ, इसलिए हम मरे नहीं, हम जिंदे हैं। लेकिन बड़ा असुविधा है, अगर मरा हुआ व्यक्ति में प्राण आ गया तो बड़ा खतरनाक है। डेड बॉडी में प्राण है बड़ा मुश्किल है, जो हरिनाम करते नहीं। ये क्या है? डेड बॉडी है। लेकिन आजकल देखे ना, डेड बॉडी में सब प्राण घूमते इधर उधर। सज्जन, सही बात ऐसा है, अगर जिंदा रहना है, अगर कोई हरिनाम नहीं करते हैं, केवल ऐसा जिंदा है, तो समझ लो सूट बूट पहन लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कमाई कर लो, ये सारी चीजें मुर्दे डेड बॉडी में जितना अलंकार लगाने पर उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। ऐसा मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद में भी अगर तुमने भजन नहीं किया, समझ लो पूरा पूरा तुम्हारा जीवन बेकार बन गया। एक व्यक्ति हमको पूछा, महाराज जी बताओ क्या बात है, हमने जीवन में 40-50 हजार रुपया कमाई किया, किसका अन्याय नहीं किया, किसको दुख नहीं पहुंचाया, खाया पिया जिंदा रहा, पिताजी माताजी को दिया, बेटा बेटी को पालन पोषण किया, पढ़ाया बढ़ाया, नौकरी दिलाया, अपना कमाई किया, बूढ़े बन गया, अभी मरने जा रहा, मेरा गति क्या होगा? मैंने बोला बेटा, भाई साहब तुम्हारा गति डायरेक्ट एंड रियल रोड टू हेल, सीधा सीधा नरक के ओर सीधा है, गति नरक ही होगा। बोले महाराज जी मैं तो किसका गलती नहीं किया, कोई भी गलती नहीं किया, कमाई किया खाया, किसको दुख नहीं पहुंचाया, पिताजी माताजी का पालन पोषण किया। मैंने बोला भाई देखो, भगवान शरीर को नहीं दिए थे ऐसा कि केवल कुकर कुवर कुत्ता जैसा सुअर जैसा अपना बेटा बेटी कोई पालन पोषण करता है, समय आया तो मर जाते, भगवान इसलिए मनुष्य शरीर दिया नहीं। और जो शरीर देते हैं उसके लिए मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होता है, क्यों देता हो, कोई कंपनी गाड़ी निकलता है तो है ना उसका मिनिमम है, क्यों निकाल दे गाड़ी। तो भगवान जो कुछ करते हैं उसका पीछे कोई कारण नहीं है। जिनका आंख की पलक का गिरने से नजर से ही करोड़ ब्रह्मांड सृष्टि होता है, प्रलय होती है, पालन हो जाता है, ऐसे भगवान कुछ करे उनका पीछे कोई कारण नहीं है। इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, देखो एक किडनी देते तो ठीक होता, दो दो किडनी दिए, हाँ दो आंख दिए, दो कान दिए, कितना सुंदर चमड़ा, कितना सुंदर ढका हुआ है। एक बार तो हमको एक बच्चा बोला, बोले प्रभु जी क्या सुंदर कमाल भगवान ने बनाया, जमीन को भी नहीं पकड़ता, ऐसा पेड़ जमीन से खींचता है, खाता है, बढ़ता है, ये शरीर ऐसा है, घूमता फिरता है, पेट में डालो तो बढ़ता भी चारों तरफ,
इतना मजादार शरीर बनाया, लेकिन होने पर भी अगर ये शरीर इसलिए है कि भगवान भजन करने के लिए, अगर भजन नहीं किया, खाया पिया सोया मर गया, एलो आर गेलो। 150 करोड़ आदमी आए भी इंडिया में और जाएंगे, हम भी ऐसा कमाई करते, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बड़ी चीज कुछ नहीं। लेकिन बात वही है, जिन लोगों को पता भी नहीं, ये लोग भजन नहीं करते अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बैठे बैठ कर कथा सुन सुन करके भी नहीं करते, ये बड़ा दुख की बात है। समझ लिया, हाँ हाँ करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करते? कहते मंदहा अलसहा, और कुछ कारण नहीं है, बहाना कुछ बना दे। नहीं बाबा लोग, आप लोग का कुछ काम धंधा नहीं है, आप लोग कर सकते, हम तो गृहस्थी बाबा, हम क्या करें? नहीं भाई, वो कोई गृहस्थी बने कोई साधु बने इसमें कोई बात नहीं है, मनुष्य के लिए बात है, चाहे गृहस्थी बनो साधु बनो सब कोई तो करना है। अगर कोई आलसी नहीं है, कर्मठ है, कहते परमार्थ धन कमाई करने के लिए, और एक बात है, क्या है? मंदमति मतलब क्या है? खराब मति, मति बड़ा बुद्धि बड़ा खराब है। पहले जमाने में बोलते थे बड़ा स्ट्रांग बुद्धिमान थे, सही बात भी है, चार चार वेद को याद रख लेते थे। आजकल बच्चे को देखो, कुछ भी बोलो तो खुद लिखना पड़ता है नोट में, आजकल तो कंप्यूटर भी लेकर के जाते हैं, कैलकुलेटर के बिना हिसाब नहीं कर पाते बच्चे आजकल, छोटी छोटी हिसाब भी कर नहीं पाते हैं, बुद्धि बहुत कम हो गया। और आजकल तो ये जो रोबोट आ गया, क्या क्या कंप्यूटर आ गया, बुद्धि तो पूरा मर गया, फिर भी बुद्धि बहुत ज्यादा है, सेटेलाइट भेजता है ना, बुद्धि कम थोड़ी है मनुष्य, लेकिन बुद्धि तो उसमें है। बुद्धि इसलिए कम है कि परमार्थ धन रोजगार करने में, असार वस्तु को सार मान लेता है, नित्य को अनित्य को नित्य मान लेता है, इसलिए बुद्धि कम है। अगर किसका सद्बुद्धि है, बुद्धि अगर तेज है, तो भी भक्ति जाजन करने में और बाधा है। क्या बाधा है? कहते मंद भाग्य उपद्रुता, मंद भाग्य। अगर किनके पास आयुष है, आलसी नहीं कर्मठ भी है, लेकिन बुद्धि भी तेज है, फिर भी भक्ति जाजन करने में और एक बाधक आती है। क्या है वो बाधक? मंद भाग्य। क्या मंद भाग्य है? पहुंचना चाहिए था इनके पास, सत साधु के पास, सदगुरु के पास, जाते जाते पहुंच गए असत साधु के पास। असत साधु मतलब जिन्होंने सत वस्तु की परिचय नहीं कराते, असत वस्तु के अंदर ही रख लेते हैं। गुरु ने दीक्षा दिया शिष्य को, शिष्य बताया गुरुदेव, गुरुदेव मंत्र दिए, मंत्र देने के बाद प्रणामी देना चाहिए। जब प्रणामी मांगा गुरु ने, शिष्य ने बताया गुरुदेव कलकत्ता सिटी को आपके नाम पर कर दिया। गुरु तो हैरान हो गए, लिखने लगे, क्या बेटा बोल रहा है? बोले गुरुदेव कम हो गया क्या, दिल्ली सिटी को भी आपके नाम पर कर दिया। गुरुदेव तो और बड़े बड़े आकर के देखने लगे, बेटा क्या बोल रहा है? शिष्य बोले गुरुदेव कम हो गया क्या, बेंगलोर सिटी को भी आपके नाम पर कर दिया, स्मार्ट सिटी पूरा तीनों आपके नाम पर। गुरुदेव बोला, पूछा कि भाई ये तीनों सिटी तुम्हारे बाप का? गुरुदेव बोले, शिष्य ने बताया कि गुरुदेव दीक्षा लेने के बाद जाएंगे कहाँ? बोले वैकुंठ में। शिष्य ने पूछा वैकुंठ आपका बाप का? वैकुंठ तुम्हारे बाप का नहीं, शहर की सिटी भी हमारे बाप का नहीं। जैसे गुरु ऐसे चेला, दोनों नरक में टेलम टेला। भाई अगर असद गुरु के पास पहुंच गए, तुमको तो बोलेंगे आज ग्रह पूजा कर लो, इतना प्रणामी डालो, आज ये इंद्र की पूजा कर लो, काल वरुण की पूजा कर लो, काल गणेश की पूजा कर लो, बेटा की भला हो जाएगा, उनकी भला हो जाएगा। किसका भला तुम चाहने पर कर नहीं पाओगे? ब्राह्मण की ये मंत्र पूजा पाठ करने से भला नहीं होगा, जहाँ प्रारब्ध में कमाई किया वही होगा ही होगा। भला अगर करना है तो एक ही चीज भला कर सकते, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
बाद में भी अगर किसके अंदर सद्भाग्य मतलब सत साधु वैष्णव के पास पहुंच गए तो भी परमार्थ होना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उपद्रुता मन उपद्रव पहुंचाएगा। क्या है? चाहे सदगुरु मंदिर खोल दे, वैष्णव को ला करके रख दे, कितना सुंदर सुंदर दोनों टाइम मंगलारती कीर्तन कथा हो जाए, फिर भी अपना मंगल करने के लिए उपद्रव। क्या है? बेटा छोटा है, कैसे जा पाऊं, मंदिर जा नहीं पा रहा। दीदी आप क्यों नहीं मंदिर आते हो? प्रभु जी क्या बताऊं, शाम को तो कथा सुनने के लिए बड़ी इच्छा होती है, लेकिन हमारे वो जाते हैं मार्केट में खाने के लिए आए। दूसरा चीज पूछो, प्रभु जी क्यों नहीं कथा में आते हो? शाम को मंदिर बन गया, कथा रोज होती है, हमारे पूज्यवा जनार्दन प्रभु अच्छा कथा करते हैं, आप क्यों नहीं आते हो शाम को? बोले प्रभु जी क्या बताऊं, बड़ी जंजाल है, झंझट मिटता ही नहीं। मैंने बोला भाई कथा छोड़ के झंझट मिटेगा कैसे? कथा गयाओगे नहीं तो कथा झंझट मिटेगा ही नहीं, कथा में तो आओ। ये उपद्रव हम खुद पैदा करते हैं, लेकिन अगर उपद्रव को काट करके कोई आ जाए, सदगुरु की शरणापन्न हो जाए, भागवत की शरणापन्न हो जाए, ये बात पक्का है, उनका मंगल सुनिश्चित हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की हरि नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, समागत भक्त वृंद की जय। आज से आगे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी 8:15 गया, अभी मैं 5 मिनट की कथा सुना देता हूँ, मेरे को भी बुखार है, इसलिए आज सब वैष्णव से मैंने कथा करवाई, आप लोग सबकी सब कथा बोल दो, 5 मिनट में विश्राम दे देंगे और आप लोग सबके सब जल्दी आना है। मैंने कल बता रहा था ना, श्रोता हनुमान जैसे बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए? हनुमान जैसे बननी चाहिए। इसलिए हनुमान कथा से सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, और कथा जब विश्राम हो जाती है सबको प्रणाम करते हुए वहाँ का धूल लगा करके फिर हनुमान जी वहाँ से जाते हैं। जब हम कोई फिल्म देखने जाते हैं, बताओ बीच में जाते हो ना लास्ट में जाते हो? शुरू में। कब जाते हो? आधे घंटे पहले। पहले जाते हैं ना, इसलिए अभी प्रभु जी बता रहे थे झुपद्रुता है, इसलिए दूसरे काम के लिए तो पहले तैयारी बैठते हैं, लेकिन भक्ति की बात बताओ फिर तो हम बहाना बनाते हैं, ठीक है? इसलिए अगर आप लोग एकदम समय पर आओगे, एकदम 8 बजे हम कथा को विश्राम दे देंगे, फिर प्रसाद पा करके, सबसे बड़ी समस्या घर में है प्रसाद की, लेकिन यहाँ पर हमारे भक्त लोग प्रसाद की भी व्यवस्था किए हैं, कथा के बाद में प्रसाद भी मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए कल नियम है वक्ता आने से पहले श्रोताओं को पहले आ जाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं वक्ता आ गए लेकिन श्रोता ही नहीं है, ठीक है? कल एकदम 5 बजे, ठीक 5 बजे सबके सब आ जाना। हाँ, आप लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे, श्री सौनका ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किए, 6 प्रश्न में एक प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? और ये भागवत का जो सार भी यही है, भागवत का सार भी यही है, इसलिए इसकी प्रश्न में उत्तर देते हैं। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनां नृपनिर्मितं हरि नामानुकीर्तनम्। बोले कलयुग में भगवान को पाने का भगवान सबसे सरल उपाय रखा। ठाकुर जी को पता है ये कलयुग का जीव ज्यादा साधन कर ही नहीं सकते, ठाकुर जी को ये बात पता है। सत्ययुग में था ध्यान, आप सुने होंगे बिना खाए पिए हजार हजार साल तक वाल्मीकि ने ऐसे तपस्या की, कितने हजार साल तक सारा तपस्या के शरीर में दीमक चाट गया, तब भी अंदर से आ रहा था नाम श्री राम श्री राम श्री राम।
लेकिन कलयुग में अगर एक दिन व्रत रखो तो बोले भैया ये काम कर लो, बोले आज हमने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी बगैर खाए जीव रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान तपस्या नहीं रखे, उन्हें ध्यान नहीं रखे। लेकिन कलयुग में कुछ लोग ध्यान करते हैं, बोले कलयुग में ध्यान है ही नहीं, क्यों? कलयुग में मन इतने चंचल है, अर्जुन खुद कहता है द्वापर युग में चंचल ही मन कृष्ण, बोले हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है। ये द्वापर युग में अर्जुन कह रहा है, तृतीया युग में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए घी लाओ, सामग्री लाओ, लकड़ी लाओ, दूध दही, एक पता नहीं यज्ञ में कितने हजार रुपया खर्चा हो जाएगा, इतने पैसा कलयुग में कहाँ से लाए। द्वापर युग में था अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए भी पंचामृत लाओ, धूप दीप फूल कितने कितने लाओ, जाकर के पूजा होगा। लेकिन भगवान ने देखा कलयुग में ऐसे साधन रखो जो बिना पैसा और बिना कष्ट से साधन हो जाए, वो क्या है? बोले भगवान के नाम है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग के बलना महाप्रभु कहते हैं कि सयने कि भोजने कि वा जागरणे अहर निसचित कृष्ण बलभवने, उठते बैठते सोते खाते पीते क्या करो, हाथों में सेवा और मुंह में ठाकुर जी की नाम बर्बाद, इससे कल्याण हो जाएगा और कुछ भी करने का हमें जरूरत नहीं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ध्यान दे कृष्ण, बहुत एक अच्छी बात कहते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति यहाँ हरिनाम करना शुरू कर देता है उनका अपने आप तीन काम होना शुरू होता है। बोले तीन काम क्या है? बोले नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बोलते हैं रजिस्टर से इसका नाम को काट लो, मतलब ये और कभी जमपुरी नहीं आएगा, केवल हरिनाम शुरू करने का साथ साथ। दूसरा काम, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी थाली में आरती सजाना शुरू करते हैं। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति ये हरिनाम करेगा धीरे धीरे भूर भूव स्व मोह जन तपलो को पार करते करते गोलोक वृंदावन जाएगा। बोले जब वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन जाएगा उस समय आरती करूँगा, इसलिए ब्रह्मा जी उसके लिए आरती की थाला सजाना शुरू करते हैं। बोले तीसरा काम, बोले गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी अपना सखियों को कहती हैं रजिस्टर में सबसे नीचे इसका नाम लिख दो, रजिस्टर में सबसे नीचे इसकी नाम लिख दो, मतलब क्या है? एक दिन वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन जरूर जाएगा। राधा रानी इसका नाम को लिखवा देते हैं, यह हरिनाम करने का इतने महत्व है। और भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते, बोले माँ ये हरिनाम कौन कर सकता है? बोले पूर्व जन्म में जो चार काम करके आए हैं वही व्यक्ति ये हरिनाम कर सकते हैं। बोले चार काम क्या है? बोले पहला काम है जो पूर्व जन्म में सारे तपस्या जो कर चुके हैं, सारे तपस्या कर चुके हैं पूर्व जन्म में, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवध्या द्वारावती केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री श्वेतवन रामेश्वर जगन्नाथ बद्रीनाथ, ये सारे धाम जो
भ्रमण कर चुके हैं, सारे काम जो कर चुके हैं। दूसरा काम, पूर्व जन्म में जितने सारे तपस्या जो यज्ञ कर चुके हैं, सारे यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो कर चुके हैं। और चौथा काम, पूर्व जन्म में सारे तपस्या जो किया है, सब दान पुण्य जो किया है, वही व्यक्ति इसी जीवन में कहते अहोमत सपोच अतोगरियान। भगवान कहते माँ अहोमत आश्चर्य हो करके कह रहे हैं, संपूर्ण जीवा में नहीं, जिनकी जीवा की अग्रभाग में अगर ये ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो रहे हैं, केवल अग्रभाग में, संपूर्ण जीवा में नहीं, तो वो इतने बड़े पुण्यात्मा है। अगर संपूर्ण जीवा में जो ठाकुर का नाम लेता है, फिर जो कानों में कृष्ण कथा सुनते हैं, जो हाथों में कृष्ण सेवा करते हैं, जो घर से यहाँ तक जो चलते चलते कथा सुनने के लिए आए हैं, तो उनकी सौभाग्यता हम बता ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति कितने पुण्यात्मा है, कितने पुण्यात्मा है। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, भगवान की नाम जप करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोला हरे कृष्ण, बोलो सबके सब, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तुमको ये हरिनाम दिया और ये हरिनाम को लेकर के नियमित पूर्वक करो, हरिनाम को नियम से करो, ऐसे नहीं गुरुजी से माला ले लिया। गुरुदेव कहते थे, जब गुरुजी से हमने माला ली है, माला नहीं, गुरुजी माला नहीं दिए, क्या दिए, साक्षात कृष्ण को हमने दिया है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि से बड़ा हरि का नाम है। गुरुदेव साक्षात ठाकुर जी तुम्हें दे दिए, इसलिए गुरुदेव कहते थे ये माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए। भूखा मतलब क्या, ऐसे एक दिन नहीं आए जो माला जब भी नहीं किए और भोजन करने खाना खा लिए, हरिनाम किया ही नहीं। गुरुदेव कहते थे जब एक दिन हमने माला नहीं की, इसका मतलब है आज सारा दिन ठाकुर जी भूखे पड़ रहे, क्योंकि भगवान कलयुग में नाम रूप में आए। एक दिन हरिनाम नहीं किया मतलब ठाकुर स्नान नहीं किए, ठाकुर जी का कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, दिन भर ठाकुर जी भूखे में पड़े हुए। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, उनका एक भक्त था जिनका नाम था श्री हरिदास ठाकुर, ये तब ही भोजन करते थे जब 3 लाख हरिनाम इनको हो जाए। 3 लाख जानते हो कितना होता है, 3 बार 64 64 64 माला अगर 3 बार हो जाए तभी ये भोजन करते थे। महाप्रभु रोज उनको दर्शन देने आते थे और जगन्नाथ जी की प्रसाद उसको देते थे। अभी उनका अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय, अभी शरीर छोड़ने वाले, अंतिम सज्जा में लेट होंगे। महाप्रभु बोले हरिदास लो प्रसाद लो, जगन्नाथ जी का प्रसाद लो। बोले प्रभु आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बोले क्यों, पर आज मैं जो 3 लाख हरिनाम करता हूँ आज मेरी माला पूरी नहीं हुई। महाप्रभु बोले हरिदास तुमने जिंदगी भर 3-3 लाख हरिनाम किया, अभी तुम वृद्ध हो गए हो, अभी तुम अंतिम सज्जा में लेटे हुए हो, थोड़ी सी माला कम करो। देखो वो संत क्या कहते हैं, बोले प्रभु शरीर मेरा सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। बोले प्रभु मेरा शरीर तो चंगा है, शरीर मेरा ठीक ठाक, लेकिन ये जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा दुष्ट मन है। आप देखना सारे काम के लिए तो तैयारी हो जाता है, लेकिन जब हरिनाम भजन की बात बोलो ना उसी समय में सारे बहाना बाजी, और कोई काम में ये बहाना बाजी नहीं करता है। इसलिए जब गुरु जी से हमने हरिनाम लिए हैं, ये साक्षात गुरुदेव हमें ठाकुर जी को दिए हैं, ठाकुर जी को हमें दिए हैं। देखो एक समय, ध्यान देकर सुना, एक समय एक गुरु जी 2 चेले को 2 आम की गुठली दी। बोले देख बेटा अगर ये आम का गुठली का अगर बोगे इसमें बड़े सुंदर अंकुर निकलेगा,
दो पत्ते निकलेगी, बड़ी सुंदर टहनियां निकलेगा और पूरा तेरे घर को छाया करेगा और बड़ी सुंदर सुंदर उसमें आम का फल आएगा, जिसको तुम ठाकुर जी को भोग लगा करके खा भी सकते हो, जिसको तुम बिजनेस भी कर सकते हो। दो शिष्य को दो गुठली दे दिए गुरुदेव। एक शिष्य ने क्या किया, वो आया आकर के घर को सामने बीज को बो दिया, बो करके मिट्टी को ढक दिया और ढक करके खड़ी लेकर बैठ गया। गुरुदेव बोले अंकुर आएगा, दो पत्ते आएगा, टहनी आएगा, एक घंटा बाद में फिर खोदे, देखा कुछ ही नहीं हुआ। फिर उसने मिट्टी से ढक दिया, पानी दिया, फिर उन्होंने दो घंटा घड़ी दे करके दो घंटा बैठा, फिर खोदा, देखा कुछ भी नहीं। फिर उसने चार घंटा बैठा, फिर खोदा तो देखा फिर कुछ नहीं। रात भर बैठा, फिर खोदा, देखा कुछ नहीं। वो आम का गुठली लेकर गया सीधा गुरु जी के पास में और उठाया गुठली और गुरु जी के सर पर जोर से मारे। बोले गुरुदेव आप इतने झूठ बात बोल सकते हो? बोले अंकुर आएगा, दो पत्ते आएगा, टहनी आएगी और सुंदर फल आएंगे, घर को छाया देगा। रात भर इसका पीछे नाक भर में सोई नहीं पाया, झूठ इतना बात बोले। लेकिन उसने दूसरे चेले को भी आम की गुठली दिए। गुरु जी ने जो बताया सही बताया, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐको आर ना करिय मने आशा। मतलब गुरुदेव ने जो बोला है उसको अपना हृदय में धारण करो और प्रभु का नाम को जप करते रहो। वाल्मीकि सत्य युग है तो कलि युग है, सत्य युग में इतने उन्होंने भजन की सारा शरीर दीपक चाट गया, कितने हजार साल तक उन्होंने तपस्या की तब भगवान को पाए। और दो दिन लेकर के बोले गुरुदेव अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, और कोई मंत्र है कि नहीं आपके पास में, और कोई मंत्र है कि नहीं? बोले गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया उसने गुरु जी की वाक्यों को मान करके लेकर गया और उसने बो दिया। सचमुच चार पांच दिन को बाद में देखा सचमुच एक अंकुर आया। अभी गुरु जी की वाक्यों को प्रति तो एकदम दृढ़ विश्वास हो गया, गुरु जी ने जो बोला था सही बोला है। जब देखा एक महीना में सचमुच से वहां पर थोड़ी सी पेड़ बड़ा हुआ है, उसकी मन में और भी उत्साह आया, गुरु जी जो बताए थे एकदम सही बताए थे। जब देखा एक साल हो गया सचमुच से वृक्ष बड़ा सुंदर वृक्ष हुआ और गुरु जी के प्रति और भी भावना बढ़ गई, गुरु जी जो बताए थे सही बताए थे। लेकिन जब दो तीन साल हो गया देखा सचमुच से वो इतना बड़ा वृक्ष हुआ, पूरा घर को एकदम छा गया, छाया छाया दिया और बड़े सुंदर उसमें फूल आया और बड़े सुंदर उसमें फल आया। जब फल आया, जब एक फल पक गई तो उसको तोड़ करके गुरु जी के पास में गए और हृदय से गदगद होकर के गुरु जी की चरण में गिर पड़े। बोले गुरु जी आप जैसे जैसे बताए थे ठीक वैसे वैसे हुआ है, इसका पहला फल है गुरु जी आप लो ठाकुर जी को भोग लगा करके आप सेवा करना। और उसको उसने बिजनेस में भी लगाया और पूरा घर को छाया भी किया है। उसी तरह गुरुदेव ने हमें जो माला दी है, माला नहीं दी है, गुरुदेव हमें साक्षात कृष्ण को हमें प्रदान किया, कृष्ण प्रदान किया, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए हरि नाम को बताया नाम चिंता मणि कृष्ण, ये हरि नाम नहीं है चिंता मणि। चिंता मणि मतलब क्या, जो मांगोगे वही मिलेगा हरि नाम से। जो मांगोगे अगर सही सही हरि नाम आपने किया, माला को सही सही जप किया, इसी हरि नाम से ही हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, बोले सुमिरि पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राखे रामो। हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम दिन भर नाम करते हैं। हनुमान जी श्री शंकर जी क्या करते हैं, बोले पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, दिन रात शंकर जी पंचमुख में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दिन भर प्रभु का भजन करते हैं। आप सरस्वती की चार हाथ देखो एक हाथ में माला है, ब्रह्मा जी की चार हाथ देखो एक हाथ में माला है, गणेश जी बोले महिमा जासु जान गण राऊ
प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। सबसे पहले गणेश जी की क्यों पूजा होती है? केवल भगवान के नाम के प्रभाव से पूजा होती है। दिन भर मैया के आठ हाथ देखना, एक हाथ में माला है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस नाम सुनि प्रिय वाणी जपी जय प्रिय संग भवानी। क्यों शंकर जी को भवानी इतना प्यारी है? क्योंकि माता पार्वती दिन रात ठाकुर के नाम जप करते हैं, इसलिए शंकर जी को इतने प्यारी है, केवल यही कारण है, ठीक है ना। इसलिए हमने जो माला ली है तब भी माला को भूखे नहीं रखना। और दूसरी बात है, जैसे महाप्रभु ने बताए, जैसे कि गमला है उसमें कोई पौधा को बोया, अगर उसमें पानी नहीं देगा तो बताओ कब तक वो रहेगा? दो दिन बाद में सूख जाएगी। महाप्रभु कहते भैया पानी क्या है? बोले पानी साधु संघ है, पानी साधु संघ है। देखो कुछ माताएं यहाँ तिलक लगाए, खूब हाथ में माला लेकर जप कर रही है, बोले क्यों कर रही है? चूंकि ये मंदिर में आती है, ये साधु संघ करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, इसलिए इनके हाथ में देखो माला है, गले में कट्ठी है, तिलक है, और प्रभु की माला जप कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो मंदिर में आते हैं। अगर मंदिर में नहीं आओगे दो दिन बाद में माला फड़ा तिलक पुलक गला से कंटी पट्टी सब उतर जाएगी, वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी नहीं। क्यों? आप उसमें पानी नहीं दे रहे हो, नहीं पानी दोगे तो कब तक जिंदा रहेगा? वो सूख जाएगी। इसलिए कोशिश करो मंदिर में आने के लिए कोशिश करो। तभी हमने यहाँ पर एक मंदिर भक्त लोगों ने तभी मंदिर खोले, आप लोग कंटिन्यू आओ, कथा सुनो, जन्माष्टमी राधाष्टमी आओ, साधुओं की संगत करो, तभी तुम्हारी भक्ति धीरे 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 बनबना तो ही बढ़ेगी और एक दिन गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएगी और राधा कृष्ण के चरण में पहुंचते हुए फिर तो सुंदर सुंदर फल होगा, जिसमें गुठली भी नहीं, छिलका नहीं, फिर बैठ बैठ करके फल को कृष्ण भक्ति प्रेम रूपी फल को खाते रहोगे, ठीक है ना। इसलिए हरिनाम ठीक से करना, कम से कम खाने से पहले जब तक कुछ माला नहीं कर ले तब तक भोजन नहीं करनी चाहिए, कुछ माला करके ही भोजन करना, रोज तिलक लगाया करना, गले से अगर कंठी जिन लोगों ने लिए हो, अगर गले से कंठी उतर गया, गुरुदेव कहते थे जब तक पुनः कंठी नहीं पहन लो तब तक पानी तक भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों? जो कुछ हम बोली बोलते हैं वो तुलस में स्पर्श होते हुए निकलती है, जो कुछ खाते हैं उसका स्पर्श करते हुए अंदर में जाता है, नहीं तो ये पवित्र नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कभी कंठी टूट गया तो दो बार पो लो, पो करके गले में पहन लो, जब मंदिर में आओगे फिर यहाँ से कंठी घर दी करके ले लेना, ठीक है। गले से कंठी कभी नहीं उतरनी चाहिए, अगर गले से कंठी उतर गया तो फिर तो मरेगे तो जमदूत कोड़े मार मार करके ले जाएंगे जमदूत। अगर गले में तुलसी कंठी रहेगा, ये जब महाराज कह रहे हैं, जिनकी गले में तुलसी कंठी रहेगी जमदूत उनको दूर से प्रणाम करेगा। क्यों? ये ठाकुर जी की शरण लिया हुआ व्यक्ति। हम कहते ना दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक भालतू कुत्ता। इसलिए जब महाराज जब दूतों को बोले जो भक्ति नहीं करते हैं उनको मेरे पास में ले आना, बोले पता कैसे चलेगा ये भक्ति करता है कि नहीं? बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू और एक फालतू। बोले जिनकी पालतू कुत्ते देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है इसे किसी घर की कुत्ते हैं, और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, इसलिए फालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। इसलिए हमें फालतू नहीं होनी चाहिए, हमें ठाकुर जी की पालतू होनी चाहिए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक भजन गाएंगे, भजन में सबके सब नृत्य करना और प्रसाद लेकर के जाना। अगर आप लोग टाइम में आओगे ना हम 8 बजे कथा को पूरी विश्राम देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे वाक्य बेनी
बांके बिहारी के देख चटा देख चटा मेरो मन है गयो लटा बटा अरे बांके बिहारी के देख चटा
मिलेंगे उसको पाते बिहारी, मिलेंगे उसको पाते बिहारी। हाँ पाते बिहारी सने है बिहारी, बिहारी सने है बिहारी। अरे राधे